सम्भु दत्त। ये तो आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध के लिए एक नमन है कि मैं उन भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ जो राग द्वेष और मोह को भग्न करके स्वयं संबोधि को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए। या एक शब्द है भगवान, ये मुख्यतः भगवान शब्द सिर्फ पाली भाषा में भगवान बुद्ध के लिए ही यूज किया गया है। और इस भगवान शब्द का जो अर्थ उनके लिए था वो यही है कि वो राग द्वेष और मोह से मुक्त हो गए। लेकिन जब ये शब्द, बहुत सारे शब्द पाली भाषा उनका जब हिंदूकरण हुआ तो उसका बहुत कुछ अर्थ बदल दिया गया, और वहां भगवान शब्द को एक नियंता, एक इस जगत के निर्माता, एक ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिसका कि इससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये प्योरली इट इज ए वर्ड यूज्ड फॉर भगवान बुद्ध। खैर, शब्दों के साथ में, शब्दों के प्रभाव में इनका भी अपना इतिहास रहा है और समय के हिसाब से इनकी भी अर्थ बदलते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस परिचर्चा के आयोजकों और पर्टिकुलरली श्री रमेशन जी का बहुत ग्रेसफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे थोड़ा बहुत टाइम दिया अपने विचारों को आपसे व्यक्त करने का। ये शायद मेरी जिंदगी का पहला मौका है जब मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो अगर कोई गलती हो, कुछ हो, तो कृपया डियर जी। ये परिचर्चा, मैं सोच रहा था कि इसका क्या ढंग से अर्थ होगा, क्योंकि हिंदी के शब्दों का भी अर्थ कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता ढंग से। तो कभी इसका समझ में आया कि डिस्कशन होना चाहिए, अभी ये विचार गोष्ठी होनी चाहिए। लेकिन एक शब्द मेरे भी जहन में आ रहा है कि परिचर्चा एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन है, और ये रिफ्लेक्शन हमारा है कि दलित दुर्दशा और व्यथा और उसकी परिचर्चा कल, आज और कल। ये परिशब्द में ही ये बहुत कुछ सम्मिलित है कि कल भी और आज भी और अब भी, पूरी परिधि के ऊपर एक परिचर्चा का ही विषय है जो हमें यहाँ पे अपने जो विद्वान स्पीकर्स हैं उनसे सुनने को हमें मिलेगा, उनके विचार जानने को हमें मिलेंगे। ये आज अगर हम अपने समाज में देखें, चारों ओर देखें, तो गांवों की स्थिति दलितों की बहुत खराब है, बहुत दुर्दशा में जी रही है, और शहरों में ही वही लोग झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे, तो हालत तो उनकी दुर्दशा में ही है। प्रेजेंटली अगर हम कहें कि कुछ लोग, कुछ मूर्तिवर लोग जो थोड़ा सा साधन संपन्न हो गए हैं, वो एक अपवाद ही स्वरूप है। मेजॉरिटी हमारे समाज की अभी वही है जो दुर्दशा में जी रही है, और ये दुर्दशा आज जो हमें है एक प्रभाव की तरह, जो रमेश चंद्र जी ने कहा कि प्रभाव है चल रहा, ये आज ऑल ऑफ ए सडन नहीं अराइज हुआ, ये हमें विरासत में मिला है। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे दादाओं के परदादा परदादा दुर्दशा में जिए, और वो एक वंशानुगत रूप से इस बीमारी को एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते रहे। और आज जो स्थिति है और जो मैं महसूस कर रहा हूं कि थोड़ी बहुत संपन्नता जो हम लोगों को मिली, पर्टिकुलरली आरक्षण की वजह से, उस आरक्षण को बैकडोर से पूर्ण रूप से खत्म किया जा चुका है, और जो बचा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। एक शब्द है समता का, ये समता नॉर्मली जो ब्राह्मण शाही व्यवस्था है ये समता के ऊपर ही आधारित है। ब्राह्मण शाही व्यवस्था एक क्रमत वर्णवाद और जातवाद के ऊपर है, यहां वर्णों में भी जातियां हैं और वो भी क्रमक रूप से,
तो ये एक विषमता का अपना वो है जो कंप्लीटली अंबेडकर वाद के खिलाफ है, वर्सस है, विरोध शब्द है। आज अगर मुझसे कहो तो मैं लिख के दे सकता हूं कि हम अपनी दुर्दशा को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत के रूप में देने की ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से गरीब रहे। मैं आपको कल एक रिमोट पास्ट के परिदृश्य में ले जाना चाहूंगा। एक ऐसा समय था जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया, और वो पीरियड रहा है भगवान बुद्ध के समय का, और उसी में उसी कड़ी में जो 200 साल बीसी से, जो क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले सम्राट अशोक का शासन का रहा, उस पीरियड में ये सोने की चिड़िया था। और वो सोने की चिड़िया भी इस वजह से बन सका कि सम्राट अशोक ने, चंड अशोक ने कलिंग युद्ध की खून बहाने की व्यर्थता को देख के उन्होंने प्रण किया, और वो भगवान बुद्ध के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस धर्म को अंगीकार कर दिया। और इसको आज अगर कुछ है, आज अगर बचा है, और इंडिया में तो खत्म कर दिया गया था, इसको वापस जो विदेशों में पहुंच चुका था उसकी वजह से ये सुरक्षित रहा, जिसे वापस लाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। वो एक ब्रांड नेम है, उन्होंने उसको अपनाया भी और इसको यहाँ पर वापस भी लेके आए। और समय समय में देख रहा हूँ कि बुद्ध धर्म के प्रति हमारी जागृति बहुत बढ़ती जा रही है, हमारी रुचि भी बढ़ती जा रही है, और हम इसके बारे में जानते भी जा रहे हैं। सवाल अब ये है कि आज के पीरियड में जो हमें जिस दुर्दशा में जी रहे, उसके मुख्य दो कारण तो हैं। पहला कारण है कि दूसरे लोग हमें कभी समता के स्तर पर लाने की कोशिश, उनका हमेशा ये प्रतन रहा है कि कभी भी समता के स्तर पर नहीं आए। एक प्रेमबल में, संविधान के प्रेमबल में एक शब्द है कि वी हैव इनेक्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को मैंने कभी कई हिंदी का अनुवाद में जब देखा तो वहां प्रत्यक्षा शब्द लिखा हुआ है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते थे, कि हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, और बहुत सारे अनुवादों में मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन मैंने बहुत विचार किया कि क्या ये अनुवाद इस स्टेटस शब्द का सही है, और मेरा अपना विचार है कि ये पूर्ण रूप से एक गलत अनुवाद किया जाता रहा है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब है कि हमें एक समानता का स्तर होना चाहिए जिसमें कि हम दूसरों के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जाति का हो, एक समान रूप से अगर कोई अवसर मिलता है तो उसके कंपटीशन को समान रूप से कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमें तरह तरह की बेड़ियां में हम खुद भी जकड़े हुए हैं, और इन बेड़ियों की जकड़े होने की वजह से हमें कभी भी नहीं ये कहा गया कि हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को प्राप्त कर सकें। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस स्तर की समानता होना चाहिए, प्रतिष्ठा की समानता ये बिल्कुल भी शब्द नहीं है। मैं जैसे रिमोट पास्ट की मैंने बात की, भगवान बुद्ध के पीरियड, सम्राट अशोक, मैं एक छोटा सा बिंदु एक पे अपना प्रकाश डालना चाहूंगा, और वो है मानसिक गुलामी। बाकी बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है ये पर चर्चा में, एंड आई थिंक द रिमेनिंग स्पीकर्स, ऑनरेबल स्पीकर्स विल जस्ट कवर ऑल दोज एस्पेक्ट। मैं सिर्फ एक छोटे से एस्पेक्ट कि हमारी जो मानसिक गुलामी में उसके ऊपर ही करना चाहूंगा। मैं पहले कह चुका हूं कि हम हमेशा गरीब नहीं रहे हैं। यहाँ के जो मूल निवासी थे एक समय बहुत इतने लाचार, इतने दीनता में नहीं थे, वो एक उन्होंने स्वर्ण काल को देखा है, बहुत संपन्नता को देखा है,
वो विपन्नता नाम की उनके लिए चीज नहीं थी, एक वो स्वर्ण युग का अवसर था। लेकिन जब से यहां पर आर्य लोग आए, उस समय कोई परमिट की व्यवस्था तो थी नहीं, कोई पासपोर्ट भी नहीं होते थे, पोरस बॉर्डर थे, जो जहां जाता था उसे अच्छी जीविका का साधन मिलता था। तो सेंट्रल एशिया से लोग आए, एक जाति के लोग आए पर्टिकुलरली, वैसे तो सबसे ज्यादा मल्टी एथनिक अगर कोई कंट्री है तो वो इंडिया है। इंडिया में बहुत सारी रेसियल, बहुत सारे रेसेस के लोग यहाँ पे आए हुए। अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक चले जाओ, बंगाल से लेकर गुजरात तक चले जाओ, आपको बहुत सारी रेसेस के लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे एस्टाब्लिश हुए। उनमें सबसे ज्यादा जो चतुर लोग रहे वो आर्य लोग थे, जिनको हम आज के रूप में ब्राह्मण के रूप में कह सकते हैं। ब्राह्मणों ने यहां जब देखा तो उनकी एक चिर परिचित राजनीति, एक नीति रही, एक कुटल नीति कह सकते हो, जो उन्होंने उस समय से लेकर आज तक निरंतर जारी है बिना किसी ब्रेक। और वो नीति है साम दाम दंड और भेद। उन्होंने इस साम दाम दंड की भी नीति को अपनाकर जो संपन्नता के हमारे तीन बिंदु हैं उनको पूरी तरह से छीन लिया। पहला बिंदु हमारा है शिक्षा का, इस शिक्षा को हमसे छीन लिया गया। शास्त्रों में लिख दिया गया कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है। इसी अधिकार की वजह से आज उस समय इसका उल्लंघन किया था सम्मुख, एक एक उदाहरण है, सम्मुख ने उनका सर काट दिया। दूसरा उन्होंने किया तो इनके हाथों से शस्त्र छीन लिए। दूसरा जो हमारा ताकत, हमारी शक्ति का साधन होता है वो शस्त्र है, शस्त्रों से विहीन कर दिया गया कि सब ये लड़ेंगे नहीं, इनका काम लड़ने का नहीं है, लड़ने का काम शक्तियों को सौंप दिया। तीसरी जो चीज थी जो हमारी शक्ति हमें प्रदान करती है वो संपत्ति थी, वो संपत्ति को रखने का, अर्जित करने का और संचित करने का भी अधिकार छीन लिया गया कि कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करना है और उनसे कृपा स्वरूप जो भी आपको उपलब्ध होता है आपको उसी में रहना है, उसी में निर्वहन करना है और उसी में ही आपकी मुक्ति संभव है। एक अगले जन्म का भी दिखा दिया कि पुराने जन्मों के कर्मों के वजह से तुम सूत्र बने हो और इस जन्म में जो तुम्हारा निर्धारित कर्म है, जो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारे लिए, जो कर्मों का विभाजन मैंने गुणों के आधार में तुम सबको किया है और ये वर्णों का विभाजन भी मैंने ही किया है। उससे पहले ऋग्वेद जो सबसे बड़ा पुराना है उसमें तो कह ही गया है कि ब्रह्मा ने चारों अपने अपने अंग से ही पैदा किए। खैर, ये जो तीनों चीजों से हमें विहीन करके, रहित करके, संपत्ति, शस्त्र और शिक्षा, वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने जैसा कि मैंने कहा है कि साम दाम दंड भेद की नीति अपना के उन्होंने किया ही, और इसके साथ में उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज की और वो थी कि इनको मानसिक गुलाम बनाने के लिए तरह तरह के तरीके, जो मैं इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा आपसे टाइम तो है सर, तो ये चीज के उन्होंने इनको मानसिक गुलाम बना दिया। मानसिक गुलामी में मैं आगे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा। परंपराओं में एक भगवान बुद्ध ने एक उपदेश दिया था जिसे केश मुक्ति सूत्र के नाम से जाना जाता है, वो अंगुत्तर निकाय में आपको मिल जाएगा। और उसमें भगवान बुद्ध ने बहुत सारी एक जगह जा रहे हैं तो केश मुक्ति एक जगह है, कालामो का वो निगम था, वहां पर लोग इकट्ठे हुए भगवान बुद्ध को सुनने के लिए और उन्होंने अपनी एक समस्या उनके सामने रखी थी। समस्या ये थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक मत का आदमी कहता है तो कोई एक बात कहता है, अपनी बड़ाई करता है और दूसरे का खंडन करता है, दूसरे की निंदा करता है दूसरे के मत, और जब कोई दूसरा आता है तो वो उसके मत की निंदा करता है और अपने की बड़ाई करता है। तो हम
बहुत परेशान हैं, हम बड़े संदेह में हैं कि हम किसकी बात को माने और किसकी बात को नहीं माने। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने ठीक जगह ही संदेह किया, संदेह की जगह ही आपने संदेह किया। उन्होंने कहा, उन्होंने उनको उस समय एक सूत्र दिए, कुछ रेशियो ले डाउन किए, जैसे कोर्ट अपने केसेस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करते हैं अपने डिसीजंस में, ऐसे उन्होंने सूत्र में ले डाउन किए कुछ। उनमें कई चीजों में चार चीजें बड़ी प्रमुख थी जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने पहले कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो आपके धर्म ग्रंथों के अनुकूल है, आपके जो धर्म ग्रंथ कहते हैं उसके अनुसार है, इस चीज को नहीं मानना। दूसरी बात कही कि आप उस चीज को इसलिए भी मत मानो कि ये किसी भव्य पुरुष ने, किसी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के आदमी ने कही है, इस चीज को भी कभी मत मानो। तीसरी बात कही कि किसी चीज को आप इसलिए भी मत मानना कि वो जो कहने वाला है वो पूज्य है, पूजा के योग्य है, इसलिए तो गलत बात नहीं कहेगा, आपको वो बात भी नहीं माननी। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कही कि परंपरा से जो चीज चली आ रही है, परंपरागत जो चीज चली आ रही है, उनको सिर्फ ये बहुत परंपराओं से चली आ रही है इसलिए भी उनको नहीं मानना है। लेकिन जब आपको लगे, आपको स्वयं अनुभव से ये लगे कि ये चीज इनका पालन करने में हमारी सुख और समृद्धि बढ़ती है और इनसे हमारा कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है, तब मानना है। मैं इस चीज को इसलिए हाईलाइट किया, यहां ये उपमा उदाहरण मैंने भगवान बुद्ध का इसलिए दिया कि भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी ट्रेडिशन को नहीं मानना। लेकिन मित्रों, मैं भी उनमें से एक हूं और आप भी बहुत सब उस चीज के होंगे, जरा कभी इस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, कभी चर्चा करना, कभी अपने आप से मंथन करना, चिंतन मनन करना कि क्या हम उन परंपराओं को नहीं मान रहे जो सड़ी गली परंपराएं हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है और वो हमारे ऊपर बर्डन बन चुकी है। परंपरा का मतलब है कि हमने एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को दी, दूसरी ने तीसरी को, चौथी को, और हम भी उन्हीं परंपराओं को क्या अपने बच्चों को देके जाना चाहेंगे? हमने कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया क्या ये हमारे हित में है या ये हमारी समृद्धि लाएंगी? नहीं किया। और उन्हीं में, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, जितने भर भी आज हम पूजा भी कर रहे हैं देवी देवताओं की, भगवानों की, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका कोई जन्म का पता नहीं, कोई कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम इनको पूजे चले जा रहे हैं। और आज प्रोफेट मोहम्मद एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, क्राइस्ट भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, बुद्ध की ऐतिहासिकता को आप बिल्कुल भी किसी तरह से डाउट नहीं कर सकते। लेकिन जिन धर्मों के, जिनके ऊपर कल्पनाओं के ऊपर, कल्पित देवताओं के ऊपर जो धर्म खड़ा किया गया है, जो धर्मशास्त्र रखे गए हैं, उनको हमने एडिटेड मानना चालू कर दिया और वो ट्रेडिशन से हम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती जा रही है, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया और हम किसी और को देके चले जाएंगे अपने बच्चों को। दूसरी इसमें बिंदु है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है, वो है हमारे तीज त्योहार। कहते हैं कि इस देश में कोई ऐसा दिन नहीं है जब कोई त्योहार नहीं होता हो, और तीन चार त्योहार तो ऐसे हैं जैसे होली दिवाली श्रावण दशहरा, ये सारे के सारे त्योहार अगर इनकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये आर्यों ने हमारे यहाँ के जो महापुरुष थे, जो हमारे राजा थे, उनको उन्होंने साम दाम दंड भेद से पराजित करके ठग के उनको मारा या उनसे सब कुछ छीन लिया। और उन्हीं का सबसे बड़ा दुख होता है कि आज वही जो एक वर्ड में कहूं, चाहे मूल निवासी कहूं या शूद्र कहूं या ओबीसी एससी एसटी कहूं, वो सारे के सारे लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु पर, जिनको मार डाला गया धोखे से, वहीं पर राग रंग करते हैं, बड़े खुशी होते हैं, बड़ा त्योहार मनाते हैं।
बाकी मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, मुझे मौका दिया मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ।